अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हो, खुश हो? तो यार कैसा गुजरा सबका रमज़ान? उम्मीद करता हूँ सबका अच्छा गुजर होगा। तो यार आपका भाई 2 हफ्ते के लिए गायब हुआ था, आप सबको पता है, वीडियोस वगैरह भी नहीं डाली मैंने, बड़ी देर हो गया। तो आज आपका भाई फारिग हुआ है। तो मसला क्या बना भाई जान? आपके भाई के हो रहे थे पेपर, सेंड अप्स हो रहे थे, तो आपका भाई फुल तैयारी कर रहा हूँ उनके पेपरों की, ठीक है? तो मैंने बस दाना पानी डाल के चलाया था अपने बर्तन वगैरह को, सबको दाना पानी डाला, ठीक है, हल्का पानी डाला बस, और कुछ भी नहीं किया, एकदम टाइम ही नहीं मिलता था। तो अब आज का लास्ट पेपर था हमारा, तो अब आपके भाई की जान छुट गई पेपरों से। तो भाई जान अब आपके भाई को बड़ी ही चिड़ चढ़ी है, क्योंकि आपके भाई ने सफाई ही नहीं की 2 हफ्तों से छत की, और छत की आप हालत हालत देखें। मैं आपको ओवर रिव्यू कराऊँ, ये देखें ज़रा कितना गंद पड़ा हुआ छत पे, ये सारा का सारा मैं आज आपके भाई ने सफाया कर देना गंद का, क्योंकि भाई जान मुझे खुद बड़ी उलझन हो रही है, इतनी गंदी छत हुई है ना। तो बकाया माशाल्लाह हमारे सारे बर्ड्स ठीक है, ठीक है। बस हमारे यहाँ पर जो 2 देसी मुर्गियाँ थी ना, वो बीमार हुई हैं। एक तो पहले ब्लैक वाली कोई थी, मगर अब उसके बाद ब्राउन वाली भी होगी। तो आपको मैं दिखाता हूँ, उनके ट्रीटमेंट वगैरह कराई है, उनको हम डॉक्टर पर लेके गए थे, इंजेक्शन वगैरह लगाया है उनके गले में ना, पता नहीं क्या उसको कहते हैं, हमें नाम भूल गया उस बीमारी का, तो वो उनको हो गया था। तो यार अब कहते हैं ये है सीन, कि बस हमने अब इनको करना है सफाई वगैरह करनी है। तो पहले हम जरा सामान वगैरह यहाँ समेटे, जितना भी खिलाया पे है, तो इसको झाड़ू दे के यहाँ सारी सफाई करते हैं, अभी छत पे फुल साफ करें। यहाँ से हमारा तकरीबन फाइनली काम ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे फर्श भी साफ़ हो गया है, केजेस वगैरह भी साफ़ हो गए हैं, यहाँ पे मैंने नई पेटी भी लगा दी अपनी मुर्गी को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहते हैं अपने रैबिट का केज भी वगैरह सारा साफ़ कर दिया है। अब वो बारी रह गई हमारे इंडोर सेटअप की और उस वाले छत की, तो वो अभी जाकर उधर करते हैं। यहाँ पे अभी मैंने इनको बाहर छोड़ा हुआ है, मैंने आपको बताना भूल गया था, मैंने ना ये चूजे ना मुर्गी के साथ और मुर्गी के साथ कर दिए, और मुर्गे ने उसको कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा मुझे लगता ना मारेगा उसको या कुछ करेगा, मगर उसने ये उसके नीचे घुस के बैठे होते हैं, ये कुछ भी नहीं कहता माशाल्लाह, मतलब कि बड़ा अच्छा उसने आगे रिस्पॉन्स दिया। तो मैंने ये यहाँ पे दरवाज़ा भी सही कर दिया इनका, यहाँ से नीचे निकल आते थे नीचे से, तो यहाँ से हमने इनका दरवाज़ा वगैरह भी सही कर दिया। तो अब बस इनको बंद करते हैं और जा के हम उस वाली साइड की अपनी सफाई वगैरह ख़त्म करते हैं। पहले हम अपने रैबिट्स को कहते हैं उनका चारा डाल दें, क्योंकि इनको भूख बड़ी लगी होती है, ये बड़े बेताब होते हैं खाने के लिए। फीमेल रैबिट की तरह हुई है, फीमेल लगता अंदर है उसको अभी खुशबू नहीं गई, चलो वो भी आके खा लेगी, वो आ गई देखा खुशबू आ जाती इनको बस। तो ये जाके हम अपने अंदर का सफाई करते हैं, बुरी आदत होगी, रोज़ा भी ऊपर से रखा हुआ ना, रोज़े में कभी कह रहा है ऐसी बात, चैनल को लाइक कर दो, और सॉरी कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो चलते हैं जाके यहाँ पे हालत आपको दिखा दे तो अंदर से एक दफ़ा, ये देख लो जी भाई जान क्या गंद पड़ा हुआ है फुल टाइम यहाँ पे। ऐसे मैं कहता हूँ इतना ज़्यादा फार्म पे जो मुर्गे का फार्म होते हैं वहाँ पर इतना गंद भी होता है जितना यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे भी आपके पास सफाई सफाई कर देनी है। और ये वाली 2 मुर्गियाँ हैं हमारी बीमार हुई हैं, कि ब्लैक ये वाली तो अल्लाह का शुक्र है कि रिकवर कर रही है, मगर ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता रिकवर कर रही है। तो अभी इनको भी हमें दाना पानी देना है। यार अब एक मसला है हमारी, कहते हैं जो लकी कबूतर है माशाल्लाह से इसने फिर अंडे दिए हुए हैं, और ये अंडों में बैठी हुई है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका बच्चा है माशाल्लाह, आप देखिए कितना बड़ा हो चुका है, ये है इसका बच्चा, ये देखिए माशाल्लाह देखिए कितना बड़ा हो चुका है। तो अभी ये देखें कहते हैं इसकी कबूतर दोबारा बैठी हुई है यहाँ पे, पिंजरा मैं लाना नहीं चाहता क्योंकि फिर अंडे वगैरह हिल जाते हैं। चले देखते कोई साफ लगाते हैं इसका भी, कहते हैं यहाँ से ढाना पड़ना है कोई, ये देखिए कितना पड़ा हुआ है। तो सारी सफाई भी करनी है आज हमने, बड़े ही आराम से ला के इसको रख दिया, और देखिए उठ गई अंडों से, ये 2 माशाल्लाह से अंडे दिए हुए, तो अभी ये खुद ही बैठ जाएगी अंडों पर, जल्दी जल्दी से अंदर सफाई करते हैं और इस काम को ख़त्म करते हैं, मेरी तो बस हो गई है, जल्दी जल्दी सफाई करते हैं फिर आपको फाइनल लुक दिखा। हाँ जी, तो डेढ़ सारा गंद निकालने के बाद यहाँ पे हमने नया करते हैं, यहाँ पे पुराना बिछा दिया अपने चूजों के लिए, बड़ा केज भी साफ़ कर दिया, ऊपर वाला केज भी साफ़ कर दिया, गंद आप देख सकते हैं कितना सारा निकला। अब इसी को अपने बाहर फेंकना, बाहर से सारा सफाई करनी, और चूजे मैंने खोले हुए हैं, आपको चूजे तो मैंने दिखाए नहीं, तो माशाल्लाह हमारे चूजे बिल्कुल एक्टिव हैं, ये देखे माशाल्लाह यहाँ पे खा पी रही हैं, सारे घूम रहे हैं। अभी मैं आपको ये बंद करूँगा ना, फिर आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे नज़र नहीं आ रही क्योंकि पिंजरों के नीचे घुसे हुए हैं ये सारे, यहाँ पे खा पी रहे हैं माशाल्लाह, सब कहते हैं एक्टिव है, फुल सही है। तो बस अब यहाँ पे थोड़ी बहुत सफाई रह गई है, बस यहाँ से तकरीबन हो गई है, यहाँ से बस गंद उठाना है और बाहर से हमें झाड़ू मारना है, फिर जो हमारे क्लिनिक का काम कम्प्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमें डालना पे सारे पेट्स को डाइट, क्योंकि डाइट अभी नहीं डाली मैंने, उनको मैंने कहा डाइट को ठहरा के डालूंगा, जल्दी सफाई करते हैं और फिर उनको डाइट डालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। सफाई हमारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, फाइनली हमारी सारी छत साफ हो चुकी है, आपको एक दफ़ा मैं दिखा देता हूँ।
यहाँ से भी दिखाए तो, बट यहाँ पे पानी है बकाया हमारा सारा साफ हो गया है। तो अब आ रही है कि डाइट डालने की, तो इन्होंने हमारी देसी मुर्गी डाइट खाई भी और जो एक देसी मुर्गी भी हमारी रिकवर हो चुकी है माशाल्लाह, वो यहाँ पे आगे भी है। ठीक है डाइट डाल लूँ तो उसके बाद आपको ऊपर कबूतर भी दिखाऊँगा। कहते हैं मैंने पिछले दिनों कहते हैं नए कबूतर भी पकड़े थे, शायद लास्ट टाइम आपको मैं दिखाए हूँ, तो वो भी आपको दिखाता हूँ कि क्या सीन है कबूतर के। अभी जल्दी जल्दी इनको डाइट डालते हैं तो फिर आपको दिखाता हूँ मैं। अच्छा भाई जहाँ तो यहाँ पे दाना शाना का सब काम खत्म हो गया, सारे अपना दाना शाना खा रहे हैं यहाँ पे, हमारे चूजे वगैरह भी हमारे भी सीढ़ी भी दाना खा रहे हैं। तो मैं आपको जरा अपने कबूतरों कबूतर दिखा दूँ अपने पिजन्स। तो जी माशाल्लाह हमारे कहते हैं इस पिजन ने भी अंडे दिए हुए हैं, उस पिजन ने भी अंडे दिए हमारे शिराजी पिजन ने, और वो देखे माशाल्लाह कहते आपको लास्ट व्लॉग में भी देखा होगा, ये हमारा कहते यहाँ पे अंडा था और ये हमारा बेबी निकल आ चुका है। अब तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया हुआ है, तो ये बेबी इनका है, ये हमारे लाल वाले कबूतर होगा इनका बेबी है। वो देखिए क्या कर रहा है यार, मुझे ये भाई हमारी जो कबूतर है इसको ना लकवा हो गया हुआ है, तो इसका इलाज नहीं मुझे कोई पता, तो या फिर हम इसको ज़िबा कर देंगे या दे देंगे किसी को। ये देखे ना ये फुल गर्दन मोड़ लेती है। अच्छा भाई जाए तो हमारा आज का जो काम है वो ख़त्म हो चुका है, मेरी तो बुरी हालत हो गई है, बड़ी प्यास लग रही है, तो जाकर थोड़ा रेस्ट वेस्ट करते हैं। तो आज के ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे रखो भी दुआ में याद, इंशाल्लाह कल एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।